दोस्तों, वृंदावन में स्थित निधिवन के रहस्यों के बारे में बहुत सी वीडियो मौजूद हैं, जिसमें निधिवन के रहस्यों को लेकर तरह तरह की बातें की जाती हैं। यहाँ पर आज भी भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास रचते हैं। निधिवन का परिसर भक्तों के लिए पूरे दिन खुला रहता है और शाम होते ही इस परिसर को चेक करने के बाद बंद कर दिया जाता है। इस निधिवन में जो भी रात को रुका, या तो उसकी मृत्यु हो गई या वह इंसान पागल हो गया। इसलिए रात के वक्त निधिवन में कोई नहीं ठहरता। ऐसा तो आपने सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे अद्भुत इंसान के बारे में जानकारी देंगे, जिन्होंने कई बार निधिवन में श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीला को अपनी आंखों से देखा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि निधिवन में जो भी रात को रुक जाता है, वह या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। पर इस इंसान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने कई सालों तक निधिवन में श्री कृष्ण की रास लीला देखी और सभी को बताया। आखिर कौन है यह इंसान जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के दिव्य प्रकाश को भी झेल लिया? उन्होंने कैसे रास लीला देखी और दुनिया को इसके बारे में क्या जानकारी दी? इन सभी बातों को जानने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्रेजी मीडिया विद संजीव शर्मा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, निधिवन लगभग 2 से 2.5 एकड़ में फैला हुआ है। कहा जाता है निधिवन में लगे पेड़ों की संख्या 16,000 है। वृक्षों की खास बात यह है कि किसी भी वृक्ष की तने सीधी नहीं है और वृक्षों के तने नीचे की ओर झुकी हुई हैं और आपस में गुथी प्रतीत होती हैं। मान्यता है कि ये सभी वृक्ष श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं, जो आपस में एक दूसरे के गले में बाहें डाले खड़ी हैं। निधिवन की मान्यता है कि अर्धरात्रि के बाद श्री कृष्ण और राधा रानी गोपियों के संग रासलीला रचाते हैं। इस दौरान सभी वृक्ष उनकी गोपियां बन जाती हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखने की मनाही है। इसी कारण शाम 7 बजे आरती के बाद आसपास के घरों की खिड़कियां भी बंद हो जाती हैं और पूरा इलाका वीरान हो जाता है। निधिवन के अंदर एक रंग महल है। इस रंग महल में चंदन के पलंग को राधा कृष्ण के लिए शाम 7 बजे से पहले फूलों से सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा के श्रृंगार का सामान और दातुन के साथ मीठा पान रख दिया जाता है। रंग महल का दरवाजा सुबह 5 बजे खोला जाता है। उस समय ऐसा दृश्य देखने को मिलता है जिसे देखकर सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है, लोटे का पानी खाली मिलता है, दातुन कुची हुई नजर आती है और पान खाया हुआ मिलता है व सिंदूर बिखरा हुआ मिलता है। रंग महल के प्रसाद में माखन मिश्री ही रखा जाता है। सुबह भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही यहाँ चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में उन्हें भी श्रृंगार का सामान ही मिलता है। कहते हैं जो भक्त निधिवन के दर्शन के लिए आते हैं, वह वृक्षों की पत्तियों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। जो भी इसे अपने साथ ले जाता है, उनके साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होता है। इसलिए लोग इसे अपने साथ ले जाने से परहेज करते हैं। वृंदावन के पुजारियों का मानना है कोई भी निधिवन में श्री कृष्ण की रास लीला को नहीं देख सकता। जिसने भी देखने की कोशिश की, वह 24 घंटे से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाया। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण की रास लीला का दर्शन हो तो जाता है, लेकिन उनके दिव्य ऊर्जा को कोई झेल नहीं पाता। इसी कारण उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है या वह इंसान पागल हो जाता है और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद अपनी जान गंवाई, उनकी समाधि आज भी इसी निधिवन में मौजूद है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस इंसान की जिन्होंने हर रोज कई वर्षों तक निधिवन में श्री कृष्ण की रासलीला देखी। सन 1478 अलीगढ़ के हरिदासपुर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिनका नाम हरिदास रखा गया। उसके पिता का नाम आसुधीर और माता का नाम गंगा देवी था। उन्होंने अपने जीवन में 25 साल हरिदासपुर में अपने दिव्य गुणों को उजागर करने में बिता दिए। 25 साल की आयु में उन्होंने सभी संसारिक सुखों का त्याग कर दिया और वृंदावन निधिवन में अमर परमानंद की तलाश में आ गए। निधिवन में उन्होंने प्रेम के जंगल, राधा कृष्ण के खेल के मैदान की खोज की। निधिवन में राधा कृष्ण के प्रेम खेल के साथ उनके अनुभव उन्हें दिव्य प्रकाश के रूप में दिखाई दिए।
संत हरिदास जी ने वो सब कुछ देखा जिसे देखना हर किसी के बस की बात नहीं। उन्होंने संगीत के राग रागनी को सिर्फ बाके बिहारी जी को समर्पित कर दिया। उन्होंने जो कुछ भी देखा उन्हें उसके बारे में श्लोक के माध्यम से गाया। दोस्तों, आप जो वृंदावन में श्री बाके बिहारी जी की मूर्ति देखते हैं, वह मूर्ति स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने संत हरिदास जी को निधिवन में दी थी। संत हरिदास जी ने काफी समय तक इस मूर्ति की पूजा निधिवन में की और बाद में मंदिर का निर्माण करवाया और उसके बाद इस मूर्ति की स्थापना की। संत हरिदास जी ने अपना पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के भजन गायन में समर्पित कर दिया। 15वीं सदी में वह यहाँ पर रहकर भगवान की आराधना किया करते थे। उस समय वह श्री कृष्ण और गोपियों की अलौकिक रास लीला को अपनी आंखों से देख पाते थे। ऐसी सच्ची भक्ति और भगवान के प्रति प्रेम की मूरत संत हरिदास जी और बाके बिहारी लाल जी की जय। आप सभी कमेंट में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आपको नए रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।